नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार चर्चा करेंगे मीन राशि लक्की स्टोन। मीन राशि वाले जातक व्यक्ति पर्सन की बात हो रही है, उनके लिए लक्की स्टोन कौन सा रहेगा। गुरु के घर की राशि है, गुरु इनकी राशि का अधिपति होता है, मालिक होता है। हर घर का एक मालिक होता है, हर दुकान का एक मालिक होता है, हर जगह का एक मालिक होता है। वैसे ही आपकी जो राशि है, एक में से 12 राशि में जो 12वें नंबर पे राशि आती है वो मीन राशि आती है। और मीन राशि का जो मालिक है, जो हाउस है, जो चंद्र राशि है उसकी बात कर रहे हैं, वो मालिक मीन राशि का गुरु बनता है। और गुरु बनने की वजह से आपकी जो सोच है, आपकी जो आपके घर के जो मालिक है वो गुरु प्रधान गिने जाते हैं। मतलब आपकी सोच को भी गुरु के व्यक्तित्व जैसा एक बल मिलता है, वैसा एटीट्यूड मिलता है। जैसे गुरु प्रधान व्यक्ति बोलते हैं, मतलब गुरु कैसे होते हैं, गुरु सबका कल्याण करने वाले रहते हैं, सबका भला सोचने वाले रहते हैं, सबका अच्छा सोचने वाले रहते हैं। वो कुछ भी हो जाए लेकिन गलत करने से बचेंगे, बुराई से बचेंगे, किसी की बददुआ से बचेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, भलाई करेंगे, भला ही करेंगे। गुरु का काम है भला करना, चाहे खुद को चोट क्यों ना लगे, लेकिन वो खुद सहन करके दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। मीन राशि वैसी ही एक राशि है जो हमेशा दूसरों के लिए समर्पित रहती है, कल्याणकारी रहती है, सेवाभावी रहती है। खुद तकलीफ लेके दूसरों के लिए सुख बटोरना, ये राशि का ये धर्म है। गुरु आपकी राशि का अधिपति है, तो आपके अंदर जो सिंथम्स आएंगे, जो लक्षण आएंगे, वो सब गुरु की रहेगी। इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन आप का जो व्यक्तित्व है वो हमेशा सदाचारी, अच्छी तरह से रहना, भक्तिभाव करना, धर्ममय जीवन जीना। लोग बुरा करेंगे तो भी आप किसी का बुरा नहीं सोचोगे, नहीं करोगे। आपका बुरा हो जाए, आपका बुरा कर देंगे, लेकिन आप हमेशा उनके लिए भी अच्छा ही सोचोगे। ये आपकी राशि का एक बहुत बड़ा लक्षण है, एक बहुत बड़ा पॉइंट गिना जाता है। और आपको हमेशा ऐसे ही रहने का, आपका कितना भी सामने वाला बुरा कर ले लेकिन आप उसको भूल जाइए, उसके ऊपर छोड़ दीजिए, भाई तुमने जो भी किया लेकिन हम तुम्हारे जैसा नहीं कर सकते हैं। बस यही आपकी एटीट्यूड रखना है, यही आपका रवैया रखना है, यही आपका भाव रखना है। बस इतना रख दीजिए, फिर आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, देखिए क्या होता है। बात करते हैं यहाँ मीन राशि लक्की स्टोन के बारे में। लक्की स्टोन सबसे पहले आपकी राशि का अधिपति, जैसे मैंने बताया गुरु महाराज है, तो वो तो आपको धारण करना ही चाहिए कंपलसरी। अगर आपकी राशि मीन है और आपका लग्न कोई भी है, जैसे मकर लग्न है, तुला लग्न है, या फिर वृषभ लग्न है, या कर्क लग्न है तो बहुत बढ़िया है, या कन्या लग्न है, फिर भी अगर आपकी राशि का अधिपति गुरु महाराज है, मीन राशि है, तो आपको गुरु का स्टोन आपकी एज के हिसाब से, आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से कैरेट रति लेके आपको अच्छे पंडित जी से सलाह मशवरा करके, डिस्कस करके, कौन से दिन, कौन से मुहूर्त, कौन सा मंत्र जाप, वो सब देख के उसको धारण करना चाहिए। क्योंकि स्टोन एक ऐसी चीज़ है, ऐसा पत्थर रहता है, उसके अंदर जान रहती है, पत्थरों में भी ताकत है, ऐसा आपने बहुत लंबे टाइम से अपने सुनते आए। बहुत से लोग बकवास समझते हैं सब चीज़ को, ये कुछ नहीं होता है, ये पहनने से ऐसा होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। आप समझिए, हर चीज़ का एक पहलू होता है, हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस होता है। अगर वो चीज़ बनी है, वो चीज़ ऊपर वाले ने कुछ बनाई है, तो उसका भी इम्पोर्टेंस है, ये समझिए आप। अगर इम्पोर्टेंस नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं बनी है, ये भी तय है।
अगर बनी है तो इसके पीछे कोई ना कोई राज है, कोई इम्पोर्टेंस है, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। हर चीज़ विश्वास के ऊपर है। बाकी आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ कॉन्क्रीट नहीं है, 100% कोई चीज़ नहीं है जिसको आप बोल सकते हो ये ऐसा ही होगा। इसलिए आपकी राशि का जो अधिपति है गुरु महाराज, उसको आपको धारण करना चाहिए। एक आपका भाग्य का स्वामी मूंगा है, यहाँ मूंगा मंगल महाराज, ये आपकी राशि का और आपके धन स्थान का लॉर्ड है, ये दोनों का स्वामी है मूंगा। मूंगा भी आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि मूंगा आपकी जो लास्ट ये उंगली है जिसमें, इसमें मूंगा पहनिए, इसमें आप पोखराज पहनिए, गुरु आपकी राशि का जो स्वामी है, ये दोनों पहन सकते हैं आप। अगर गले में आपको दोनों कॉम्बिनेशन भी में भी आप पहन सकते हैं, समझो आपको इसमें कन्वीनियंस नहीं है उंगली के अंदर, फिंगर के अंदर, तो आप जैसे यहाँ ऐसे एक लॉकेट बना के इसके अंदर यहाँ गुरु है या मंगल है या गुरु, दोनों पहन सकते हैं साथ में। और इससे भी बढ़िया योग बनता है जब चंद्र यहाँ लग जाता है, मून, ये त्रिकोण, ये तीनों का स्वामी, ये त्रिकोण है, ये लग्न, ये पंचम और ये भाग्य, तीनों का स्वामी जैसे आपने लॉकेट में धारण कर लिया और उसको अच्छे मुहूर्त नक्षत्र वार तिथि देख के अच्छा मंत्र जाप करके आपने पहना है, तो उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। थोड़ा विश्वास, जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ में आप विश्वास रखिए, पॉजिटिव सोच के चलिए, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर पहले से आपने सोचा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब बकवास है, पहना है ठीक है, बोल दिया किसी ने, मम्मी पापा ने पहन लो, पहन लिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोगों को हमने देखा है जिनकी कुंडली में ये सब चीज़ें वीक होती है, तो उसको पहनाना पड़ता है, कौन सी चीज़ उसको किस हिसाब से कन्वीनियंस होती है, कौन सी चीज़ से वो काफ़ी उनको फ़ायदा हो सकता है, वो चीज़ हम उसको रिकमेंड करते हैं। उनके लिए हम उनको सामने से बोलते हैं ये आप चीज़ पहनिए, आपको ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपकी जो मीन राशि है, इनकी बात हो रही है, तो ये गुरु महाराज, एक चंद्र और मंगल, ये तीनों आप मून लास्ट उंगली में पहन सकते हैं, ये लास्ट उंगली मून की है, ये बहुत से लोग इसमें भी पहनते हैं तो वो भी चलता है, दोनों उंगली में आप पहन सकते हो मून चंद्र, जिसको बोलते पल। ये सब आपकी एज के हिसाब से, आपकी एज कितनी है, समझो आपकी एज 30 से 40 के बीच में, तो आप 3.5-4 कैरेट के रति का स्टोन लेके पहन सकते हो, 50 के ऊपर है तो 5 कैरेट के ऊपर आप जा सकते हो, 50 से 60 के बीच में है तो 5 से लेकर 6.5 के बीच में, कोई भी समझो 5.5 का है रति का तो वो भी पहन सकते हो, 5 रति का है या 5 रति और 17 सेंट का है तो वो भी पहन सकते हो। मतलब ये आपको पहनना ज़रूरी हो जाता है जब आपकी कुंडली में इतने ग्रह पोटेंशियल नहीं है, आपको इतनी ताकत नहीं दे रहे, आपका नसीब जोर नहीं कर रहा है, लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, तो आपको कुंडली विश्लेषण करवानी चाहिए और इसके हिसाब से स्टोन वगैरह पहनने चाहिए। क्योंकि ये अगर आप समझो कुंडली विश्लेषण भी नहीं कराते और आपकी मीन राशि है तो भी ये तीन चीज़ आप पहन सकते हो, ये तीनों चीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। फिर भी एक बार सब पूरी कुंडली का, लगन कुंडली, राशि कुंडली, ये पूरी नवमांस कुंडली, सब चीज़ों को देख के प्रिडिक्शन किया जाता है, तो वो देख के भी आप पहन सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं, ये आपको नुकसान नहीं होगा, इससे ये फायदा ही फायदा देगा आपको, ये पक्का है। अगर राशि आपकी मीन है तो ये तीन चीज़ आपको लिए बहुत ही पावरफुल गिनी जाएगी, बहुत ही अच्छी गिनी जाएगी। ऐसे और कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।